देश की संविधान की रक्षा करने वाला से ज्यादा देशभक्त और देशप्रेमी कोई नहीं है। संविधान का उल्लंघन करोगे आप, उसकी रक्षा में जब हम उठेंगे, उससे ज्यादा पेट्रियोटिज्म की सर्टिफिकेट और किसी से जरूरत नहीं है। तो हम संविधान को बचाने आए हैं यहाँ पे, आप सरकार में रह के संविधान को ध्वस्त करने का काम कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं है। और इसलिए हम हमारी एकजुटता दिखाने आए जेएनयू समुदाय के साथ, और हम लोग सब यहाँ पे पढ़ चुके हैं, हिंसा की कभी वातावरण नहीं रही जेएनयू में। ये सरकार आई उसके बाद ही से इस तरह की वातावरण शुरू हुई, और इसलिए हमारे तीन मांगे हैं। एक, ये वाइस चांसलर को हटाया जाए। दूसरा, आज जो भी ये हिंसा किया बाहर से जो आके, उनको आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। तीसरा, जेएनयू के अंदर जो ये फीस महंगी कर दी ताकि गरीब हमारे जेएनयू के अंदर शामिल ना हो जैसे वो हो सकता था पहले, उस फी हाइक को वापस लो और जेएनयू के एडमिशन पॉलिसी को बरकरार रखो, जो गरीब से गरीब, दलित, आदिवासी जो भी, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो उनको अनुमति है इस यूनिवर्सिटी में, वो अनुमति को हटा देंगे आप तो इसका चरित्र ही बदलने की कोशिश कर रहे हो, ये स्वीकार नहीं है।